कितने लोगों समझ में आ गया ये कि इसमें भी जीरो होगा? देखो ये हमने ना रिजल्ट किया भी था, आप भूल गए शायद, कि अगर एक हॉलो सिलेंडर है जिसके सरफेस में ही करंट है सिर्फ, और हॉलो सिलेंडर के अंदर अगर मैं पूछूं कि बी क्या होगा, तो आप वहां क्या ड्रॉ करोगे? क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट बोलो कितना जा रहा है? जीरो। तो बी इंटू टू पाई आर जो भी होगा इज म्यू नॉट इंटू करंट कीजिएगा जीरो, तो बी क्या आएगा? जीरो। एक हॉलो पाइप की सरफेस में अगर आई करंट होगा, उसके इनसाइड भी हमेशा जीरो ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गॉस थ्योरम में एक शेल चार्ज है उसके इनसाइड ई जीरो है, ऐसे इसमें हॉलो पाइप के इनसाइड भी जीरो है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट आए फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट वॉल्ड पाइप है, पाइप अंदर से खाली होती है, तो इस केस में डी ऑप्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, टेंथ क्वेश्चन। तो मेडिकल के लोग हैं वो, तो मैं मान भी सकता हूं कि इन वैल्यूज को देख के वो कहेंगे नहीं यार छोड़ते हैं, अगला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो ना ही करें तो कोई बात नहीं। नॉन मेडिकल के लोग नहीं ऐसे बोल सकते क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाई हुई है, तो मेडिकल वालों का तरीका बाद में बताऊंगा, पहले दो मिनट जरा नॉन मेडिकल के हिसाब से बता दूं। क्वेश्चन मेडिकल वाले भी करेंगे लेकिन बाद में, दो मिनट रुको। नॉन मेडिकल वाले पहले पढ़ना सीख लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है मान लो, तो जब x, y कोऑर्डिनेट होता है क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा है, तो ये क्या है y और ये क्या है x, तो ये क्या है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और मान लो ये क्या है थीटा, साइन थीटा क्या होगा y डिवाइडेड बाय दिस, कॉस थीटा क्या होगा x डिवाइडेड बाय दिस, तो आप चेक करो y बाय दिस साइन थीटा, x बाय दिस कॉस थीटा, तो पता है क्या कर रहा है, b के कॉम्पोनेंट्स बना के दे रहा है, एक बी साइन बी नॉट साइन थीटा, एक बी नॉट कॉस थीटा, साइन कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई कॉम्पोनेंट माइनस जे नीचे की तरफ है, तो मतलब मैथ्स वाले लोग अपने कोऑर्डिनेट लगा के ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो बी वेक्टर इन शॉर्ट वो सिर्फ इतनी सी बात समझा रहा है, बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है बस, मतलब वो इतने से फॉर्मूले से ये बताना चाहता है कि बी सिर्फ एक्स में नहीं है, बी वाई में नहीं है, बी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक, खैर ये स्टेटमेंट नहीं भी गिवन होती मेरा क्वेश्चन तब भी सॉल्व होता था। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। मैथ्स में अगेन मेडिकल के लोग समझ लें, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर की इक्वेशन गिवन हो, तो ये इक्वेशन मैथ्स में किसकी होती है? सर्कल की। ये सर्कल की इक्वेशन है, राइट? तो उसने कहा कि आप ये इमेजिन करो कि आपको करंट बताना है और इट इज enclosed by अ closed पाथ, और closed पाथ क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि closed पाथ इज अ सर्कल एंड सर्कल ऑफ रेडियस r।
तो मुझे एक बात बताओ कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहते हैं। बी मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी बी की जगह बी नॉट करो क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कह रहे हैं, बी नॉट। तो मुझे यहां लेना चाहिए बी नॉट, तो यहां बी नॉट मान लो बी नॉट इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट टाइम्स आई। मैंने गलती से बी निकाल दिया, उसने क्या पूछा था आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई निकाल लो, आंसर आ गया एक मिनट में। ये चाहिए ही नहीं बी और कुछ जो दिया हुआ है, बस खत्म। एम्पियर सर्किट लॉ को टेस्ट किया, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्लोज्ड पाथ जब वो कह रहा है कि सर्कल है, फिर कोई कह रहा था दूसरे बैच में ये क्यों गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा, वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट यूज करना है, हमें कॉम्पोनेंट्स इसमें चाहिए ही नहीं, हम तो एम्पियर सर्किट लॉ से टोटल बी में काम करते हैं, तो टोटल बी जो भी होगा बी नॉट इंटू टू पाई आर, तो वहां से टोटल बी ही यूज होगा बी नॉट, तो यहाँ से करंट कैन बी कैलकुलेटेड, एक लाइन में आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ से करंट की वैल्यू इजीली निकल सकती है, तो वो स्टेटमेंट आपको बेसिकली चाहिए ही नहीं है। ठीक है यहां तक? ठीक, विनायक कोई डाउट इसमें? 11th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन देखा लगता है, पहले ये बताओ देखा लगता है, कब देखा था? एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन नंबर 5 इनफाइनाइट शीट हमने किया हुआ है, और मैंने हैंड रिटन शीट में तो ये प्रिंट आउट भी दिया था इसी न्यूमेरिकल का, अगर याद होगा सॉल्व न्यूमेरिकल था एक, वो यही था कि अगर आपको दो इनफाइनाइट शीट्स गिवन है, जैसा कि ये दो शीट्स हैं, आपको पी क्यू आर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इनफाइनाइट शीट का बी का पहले फॉर्मूला बोलो क्या होता है, म्यू नॉट बाई टू जे, मैंने करवाया था जे, पर मैंने कहा था कई बुक जे की जगह लैम्डा भी यूज करती हैं, जे और लैम्डा इसमें क्या होता है करंट पर यूनिट लेंथ, तो ये लैम्डा दे रहा है इसमें तो लैम्डा वन लैम्डा टू, बी का फॉर्मूला क्लियर है। हमने कैसे किया था, पहले पी पॉइंट में निकाल के दिखाता हूं, करंट अगर इस शीट में बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है लेफ्ट, करंट इसमें भी बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कैसे आएगा लेफ्ट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों हमने एड किए, म्यू नॉट लैम्डा वन बाई टू फर्स्ट वाले ने प्रोड्यूस किया बी, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू सेकेंड ने किया, लेफ्ट का मतलब यहां पर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट नहीं बोलो क्योंकि क्वेश्चन में वो वेक्टर फॉर्म ले रहा है तो माइनस आई माइनस आई। तो ऐसे ही अगर क्यू पे निकालना है, अगर राइट है और लेफ्ट है तो आई और माइनस जे, अगर दोनों राइट है तो जे आई और आई, तो वैल्यू तो आपको पता ही है, और हमने क्वेश्चन किया हुआ एप्लीकेशन नंबर 5 में कि कैसे तीन रीजन में बी नेट निकालते हैं, तो उन वैल्यूज को यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, रिपीट है उस एप्लीकेशन का जो हमने ऑलरेडी की हुई है। क्लियर है यहां तक? आप इस क्वेश्चन को देखें एक बार प्लीज, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितनों को नहीं आया, और कितनों को भी सेम प्रॉब्लम कि यार लेंथ बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा जब करेंगे तो, पर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारे लंबे क्वेश्चन मुश्किल हो या जरूरी नहीं है, ये उनमें से आसान क्वेश्चनों में से एक है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं,
पहले दो चीजों का आंसर दो। पहला, अगर एक सिलेंड्रिकल ये एक पाइप है हॉलो है अंदर से, इसके इनसाइड भी क्या होगा हॉलो के अंदर? जीरो। इसके आउटसाइड भी कुछ ना कुछ तो होगा, सरफेस पे भी होगा और बाहर भी होगा, पर इसके इनसाइड नहीं होगा। पहला रिजल्ट क्लियर है। कैसे होगा? अगर करंट इसमें मेरी तरफ आ रहा है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे जहां आपको लेना है, क्योंकि करंट अगर स्ट्रेट है तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कोई डाउट इसमें? दूसरा रिजल्ट बताओ, अगर एक सोलेनोइड है, ये रहा सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर बी एग्जिस्ट करेगा, सोलेनोइड के बाहर भी जीरो होगा। यह था हमने रिजल्ट कि सोलेनोइड के बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारा भी कहां एग्जिस्ट करेगा? सोलेनोइड के इनसाइड, और मैक्सिमम कहां पर होगा? सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर। दूसरा रिजल्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करेंगे, और कैसे? अ स्टेडी करंट आए फ्लोज अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। एक पाइप है, एक सिलेंडर है हॉलो, इसमें आई करंट है। मान लो करंट इसकी सरफेस पे ऐसे आ रहा है, करंट है, और आपको क्या दिख रहा है? इसका सिर्फ सर्कल। तो ये रहा एक सर्कल, ये हॉलो पाइप है, बोर्ड के अंदर जा रही है, करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसके सरफेस ऐसे सरफेस में जा रहा है बोर्ड के अंदर, और ये क्या है? हॉलो सिलेंडर। फिर वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड को एक्सियली इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड ऑफ रेडियस 2R। तो अगर ये पाइप है जिसमें करंट आ रहा था, इसको सोलेनोइड के अंदर लपेट दिया, ये सोलेनोइड की वायर आ रही है इसके आसपास, ऐसे। क्लियर है? तो ये डायग्राम ऐसे है। तो आपको आखिरी वायर भी कैसे नजर आ रही है? सर्कल। तो ये एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, डॉट 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 का मतलब सोलेनोइड है ऑफ रेडियस 2R, और इसका मतलब हॉलो पाइप है ऑफ रेडियस R। इसमें आई करंट है, इसमें आई करंट है, इसमें करंट कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। इसमें करंट कैसे जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है। फर्क है, ऐसे नहीं जा रहा, बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है। क्लियर है यहां तक? इमेजिन कर रहे हो? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। पहला ऑप्शन है, अगर जीरो और कैपिटल आर का रीजन है, तो अगर आपका पॉइंट कहां लाई करता है? जीरो और कैपिटल आर के बीच में लाई करता है, यानी कि बिल्कुल पाइप के अंदर लाई करता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नॉन जीरो होगा? कितने लोग बोलते हैं हाँ ठीक है नॉन जीरो होगा, वो क्यों? पाइप के अंदर तो भी जीरो होता है, तो आंसर तो जीरो होना चाहिए था, सोलेनोइड, क्योंकि वो पाइप का तो भी जीरो है पाइप के अंदर, पर वो किसके साथ लपेटा हुआ है? उसके बाहर सोलेनोइड, तो एक्सिस पे बी एग्जिस्ट करेगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो बी अंदर नॉन जीरो होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं रीजन आर और टू आर लेता हूं, आर और टू आर यहां कहीं लेता हूं, डॉट 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 किया हुआ है, वो कह रहा है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कॉमन एक्सिस के अलोंग है, यानी कि बी की डायरेक्शन दोनों की वजह से सेम है। अच्छा देखें, पी पॉइंट पे ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो पी पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, तो इस वायर की वजह से टेंजेंट बनेगा यहां पर, बिल्कुल ठीक टेंजेंट बनेगा, लेकिन सोलेनोइड का थोड़ा टेंजेंट बनेगा, सोलेनोइड का बी तो एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो सोलेनोइड का बी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसका कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, तो ये कॉमन एक्सिस पे लाए नहीं करते, तो ये इनकरेक्ट है, राइट? और ये भी इनकरेक्ट है, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, नो डाउट पाइप की वजह से तो टेंजेंट आएगा, पर सोलेनोइड की वजह से टेंजेंट नहीं आएगा, तो इनकरेक्ट है। और लास्ट है, अगर आर ग्रेटर देन 2R है, बिल्कुल बाहर आ जाओ इस पॉइंट पे, यहां कहीं आ जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, बिल्कुल सही, क्योंकि पाइप तो यहां पर भी लगाएगी, इनफाइनाइट पाइप भी लगाएगी, पर सोलेनोइड भी नहीं लगाएगा, तो ना लगाए, पाइप तो लगाएगी, नॉन जीरो है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जो दो प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताई उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? सॉल्वेंट की वजह से एग्जिस्ट करेगा, जीरो। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैं इसे व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार देख लेना इसे।